अभी हिंदी शेयरिंग को शुरू करते हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी को नमस्ते। तो अभी अंजलि दीदी की शेयरिंग को शुरू कर लेते हैं। तो अंजलि दीदी अरुणा दीदी की छोटी बहन है और उनके पति हिमांशु प्रताप सिंह स्वयं के ही स्कूल में प्रिंसिपल हैं। परिवार में एक बेटा रघुवंश और बेटी सुहानी है। यूएचपी के सत्र सुनने के बाद आपका आवर्तनशील तरीके से खेती करने का मन बना है और दीदी की ये तीसरी शेयरिंग है। जी अंजलि दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बात को रखें, दीदी नमस्ते। दीदी बात तो रख सकते हैं। पहले रघुवंश की करवा दीजिए, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है जी, सभी को नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा आपकी आवाज आ रही है, नमस्ते। मेरा नाम रघुवंश प्रताप सिंह है, मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम इंडस वैली पब्लिक स्कूल है। मैं महोबा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरी मौसी और मौसा जी UHV से काफी समय से जुड़े हैं। मेरी मम्मी मॉर्निंग सेशन सुनती हैं, तो कभी कभी मैं भी सुन लेता हूँ। वैसे तो मैं स्कूल चला जाता हूँ, लेकिन जब छुट्टी होती है या मैं घर में रहता हूँ तो इसे सुन लेता हूँ। मुझे इससे यह सीखने को मिला कि सबसे पहले तो हमें खुद को समझना चाहिए, और मुझे इससे यह भी समझ आया है कि सेल्फ और बॉडी दो अलग अलग इकाई है। दोनों की आवश्यकता भी अलग अलग है। सेल्फ की आवश्यकता निरंतर होती है और बॉडी की समय समय पर होती है। मानव सेल्फ और बॉडी के सह अस्तित्व में बना हुआ है। मेरा अपनी कल्पनाशीलता में भी ध्यान जाने लगा। धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया बेटा, नमस्ते सभी को, मेरा नाम अंजलि सिंह है, मैं महोबा उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, बेटी कोटा में पढ़ाई कर रही है, बेटा मेरा 8th क्लास में अध्ययनरत है जो कि मेरे साथ रहता है। मेरे पति इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, जो कि मेरे घर का ही कॉलेज है। महोबा से 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, वहीं पर मेरी खेती होती है और स्कूल भी चलता है। वहां पर मेरे परिवार के लोग रहते हैं। UHV सूचना के रूप में तो मेरे घर पर काफी दिनों से थी। मेरी बड़ी बहन अरुणा दीदी और जीजा जी श्री भगवान सिंह परमार ने मुझे UHV से जोड़ा है। यहाँ तक लाने में मेरी बहन का बहुत बड़ा प्रयास रहा है, इसलिए मैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ। यह मेरा दूसरा अभ्यास सत्र है जिसके लिए मैं शेयरिंग कर रही हूँ। जब से मैंने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है, तब से मेरे अंदर काफी बदलाव आया है और यह मॉर्निंग सेशन मेरे लिए काफी सार्थक रहा है। इससे मेरी गति भी बनी है जो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इस सत्र को पूरा नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि सुबह से बच्चे का स्कूल होता है, तो फिर मैं चलते फिरते ही सुन पाती हूँ और पूरा ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ, जिसके कारण मुझे इसको समझने में काफी समय लग रहा है। मैं यह भी देख पा रही हूँ कि जब तक यह सत्र चलता है, तब तक तो मेरा ध्यान इस पर रहता है। इसके बाद यहाँ से मेरा ध्यान हटकर दूसरे कामों में लग जाता है। कभी कभी तो पूरा दिन ही निकल जाता और उस पर मेरा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन अब बीच बीच में कोशिश करने के बाद एक आध जाने लगा है। इसके पहले तो मुझे छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा आ जाता था, बोलती तो नहीं थी लेकिन मेरे अंदर काफी विरोध का भाव चलने लगता था, जो अब कम हुआ है। मुझे लगता था मैं जो बोल रही हूँ या जो कार्य कर रही हूँ वह सब सही है, दूसरों को ही देखने का काम ज्यादा होता था, अपने आप को तो देखते ही नहीं। लेकिन अब सुबह के सत्र से मुझे यह ध्यान जाने लगा है कि सबसे पहले तो मुझे स्वयं को ही देखना है और अपने आप को समझना है, अपने ऊपर ही काम करना है। इसके पहले तो मैं अपने आप को शरीर मानकर ही जीते आ रहे थे और अधिकांश समय भी मेरा
भौतिक सुख सुविधाओं की तरह भी लगता था। लगता तो अभी भी है, लेकिन अब कुछ कम हुआ है। अब मैं यह भी देख पा रही हूँ कि मैं और शरीर दो अलग अलग इकाइयां हैं। मैं एक चेतन इकाई है और शरीर जड़ इकाई है। दोनों की आवश्यकता भी अलग अलग है। मैं की आवश्यकता सुख सम्मान विश्वास, मैं की आवश्यकता हमें निरंतर होती है और यह गुणात्मक है। शरीर की आवश्यकता भोजन कपड़ा मकान जो कि सामायिक है, इसकी जरूरत भी मुझे समय समय पर ही होती है, यह मात्रात्मक है। इन दोनों इकाइयों की क्रियाएं भी अलग अलग हैं। जीवन में चार क्रियाएं होती हैं और शरीर में दो क्रियाएं होती हैं जो मैं देख पाती हूँ। मानो जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में बना है। शरीर को मैं एक साधन के रूप में उपयोग करती हूँ जो कि समय समय पर ही होता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास एक की। अभ्यास एक चैतन्य इकाई, इसका उदाहरण जीवन है। स्टेप वन में अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान जाने लगा है। इसके पहले तो मैं कल्पनाशीलता को समझ भी नहीं पाती थी कि इसको देखना कैसे है और इसमें क्या देखना है। अब लेकिन मेरा ध्यान जाने लगा है कि मेरे अंदर कल्पनाशीलता तो पूरे दिन ही चलती है जो मैं देख नहीं पाती थी, लेकिन अब मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप टू में अपनी कल्पनाशीलता में चलने वाले भाव विचार पर भी ध्यान जाने लगा है। स्टेप थ्री में मेरी कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहे हैं सहज हैं या असहज, इस पर भी ध्यान जाने लगा है। जब मेरे अंदर सहज भाव चलते हैं तब हम सुखी होते हैं और जब मेरे अंदर असहज भाव चलते हैं तो हम दुखी होते हैं। स्टेप फोर में मुझ में कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। मेरी कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहे होते हैं उनको मैं निर्णय पूर्वक चलाती हूँ, इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप फाइव में मेरी कल्पनाशीलता में जो भाव विचार चल रहे हैं उसका आधार क्या है, सही समझ या मान्यता। तो जब हम समझ के आधार पर किसी भाव का निर्णय करते हैं तो हम सुखी होते हैं और जब हम किसी मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो यह निश्चित नहीं कि हम सुखी होंगे या परेशान। कुछ तो सही समझ से जीना शुरू हुआ है और जहाँ ध्यान नहीं जाता है वहाँ अभी भी मान्यता के आधार पर। स्टेप सिक्स में जब हम अपने आप से यह पूछते हैं कि सहज स्वीकार क्या है तो हम अपने में देख पाते हैं कि हमें संबंध ही स्वीकार है, विरोध नहीं, व्यवस्था ही स्वीकार है, अव्यवस्था नहीं, सह अस्तित्व ही सहज स्वीकार है, संघर्ष नहीं। स्टेप सेवन में यह मेरी आवश्यकता है संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना। अभ्यास दो जिसमें जड़ इकाई को समझ रहे हैं जिसका उदाहरण शरीर है। स्टेप वन में स्वयं से शरीर को देख पा रहे हैं कि मैं अलग वास्तविकता है और शरीर अलग वास्तविकता है। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। स्टेप थ्री में शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है और किस संवेदना को नहीं पढ़ना है, का निर्णय तो मैं स्वयं ही लेती हूँ। जैसे कि जब हम व्रत होते हैं तो मुझे भोजन के समय पर भूख की संवेदना मिलती है, मैं उस संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ और समझ के आधार पर ही निर्वाह करती हूँ। स्टेप फोर में मैं संवेदना से दूर होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। जीवन और शरीर के बीच दूरी है, इस पर भी ध्यान जाने लगा है। स्टेप फाइव में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ और उसे मैं सही समझ या मान्यता के आधार पर अर्थ देती हूँ और सुखी दुखी होती हूँ। स्टेप सिक्स में स्वतंत्रता और परतंत्रता पर भी ध्यान जाने लगा है। सही समझ होने पर हम स्वतंत्र होते हैं, सुखी होते हैं, ये हम देख पा रहे हैं, और समझ के अभाव में हम दुखी होते हैं, परतंत्र होते हैं। स्टेप सेवन में मैं भी शून्य में हूँ और मेरा शरीर भी शून्य में है। शून्य के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, इस पर भी ध्यान जाता है।
सूचना के रूप में। अगर स्टेपों की बात करें तो अभी कुछ ही स्टेपों को मैं देख पाती हूँ। सुख स्वभाव है या प्रभाव? सुख स्वभाव है यह तो स्पष्ट है, लेकिन यह अभी सिर्फ हमारे विचारों में है, हमारे व्यवहार में तो अभी भी नहीं है, क्योंकि बाहर के प्रभाव से तो हम अभी भी प्रभावित होते हैं। लेकिन मेरा ध्यान जाने लगा है कि सुख का स्रोत तो मेरे अंदर ही है, जिससे मैं हमेशा सुखी हो सकती हूँ। इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। यह मॉर्निंग सेशन मैं निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए कर रही हूँ। अगर उपलब्धि के रूप में देखें तो यूएसबी में पढ़ने के बाद से मेरी समझ तो बढ़ी ही है, और मेरे अंदर जो वस्तुओं को संग्रह करने का मेरा स्वभाव था उसमें भी कमी आई है। इसके पहले मेरे अंदर एक विचलन सा रहता था, चाहे वो किसी काम को लेकर हो या फिर बच्चों को लेकर, छोटी छोटी सी बातों में उलझाहट होना या परेशान होना, उसमें भी परिवर्तन आया है जो देख पा रहे हैं, और मुझे अपनी सुविधा पर भी ध्यान जाने लगा है। यह अभ्यास सत्र मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है। अब इससे मेरा यह संकल्प बन रहा है कि मैं इसको अच्छे से करूंगी। अब मैं अपनी शेयरिंग को यहीं पर पूरी करती हूँ। धन्यवाद। जी अंजलि दीदी, भैया भी शेयर करेंगे क्या? दीदी करेंगे। जी नमस्ते भैया, ओवर टू यू। नमस्ते जी, सभी को मेरा यथोचित प्रणाम। ये मेरा बोलने के लिए पहला मॉर्निंग सेशन है। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह है। मैं ग्राम घ्योंगी जनपद महुआ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरी 8वीं तक की शिक्षा मेरे गांव में ही हुई, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर छतरपुर मध्य प्रदेश चला गया। यहाँ मैंने एमए एलएलबी बीएड किया। वैसे तो मैंने पहले कानून की पढ़ाई की थी ताकि वकालत को अपना पेशा बना सकूं, पर मेरी रुचि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की ज्यादा थी, इसलिए वर्ष 2002 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में पंजीकृत अधिवक्ता होने के बाद भी मैंने वकालत में रुचि नहीं दिखाई और बीएड करके अपने गांव वापस आ गया। यहाँ पर मेरे परिवार द्वारा स्थापित स्कूल, जो कि मात्र 10वीं तक संचालित था, आकर संस्था प्रमुख का पद संभाला। मेरा गांव बहुत ही पिछड़े इलाके में है, बुंदेलखंड में। पहले हमीरपुर जिले में था, वर्तमान में महुआ जनपद में। यहाँ पर दूर दूर तक शिक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, खासकर इंटर के लिए यानी 12वीं तक के बच्चों के लिए, और बालिकाओं की अंतिम शिक्षा मेरे क्षेत्र में तो मात्र 10वीं तक ही हो पाती थी। ग्रामीण बच्चियां इसके बाद घर बैठ जाती थी या उनके माता पिता उनकी शादी कर देती थी। मैंने जब विद्यालय संभाला तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि गांव में 12वीं तक की शिक्षा का संचालन होना चाहिए। गांव के बच्चों को, खासकर बच्चियों को, गांव में रहकर शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैंने यूपी में प्रयास करके 12वीं की मान्यता ली। और उसी की बात है, तब से प्रतिवर्ष सैकड़ों बालक बालिकाएं अब मेरे गांव से इंटर की शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। और मेरा एक शौक पत्रकारिता का था, तो मैंने इसके लिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय व मध्य प्रदेश से बीजेएमसी किया। इसके बाद शताब्दी वर्ष, जिसको बहुत ज्यादा चर्चा में लिया गया था, उस समय मैंने वर्ष 2000 में अपने गाँव से ही हिंदी समाचार पत्र बिखरी मोती का संपादन और प्रकाशन किया। लोगों को सामाजिक घटनाओं से रूबरू कराने का प्रयास किया, ग्रामीण क्षेत्र में रहकर कुछ करने का प्रयास किया। और दरअसल मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि गांव से जुड़ी है, इसलिए मेरी इच्छा सदैव गांव में रहकर काम करने की थी, पर मैं उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। अब मुझे अच्छे ढंग से सीखने, अपनी रुचि के अनुसार काम करने का एक मंच यूएचबी से जुड़कर मिल गया है। अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य दिखने लगा है। इसके लिए मैं आदरणीय बड़े भाई भगवान सिंह भैया जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे परिवार को मुझे प्रेरणा दी, यूएचबी लिविंग सेंटर नौगांव से जोड़ा। अब मेरे देखने के नजरिए में बहुत फर्क आया। मुझे पहले छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। वैसे अगर, जैसे मैं देखता था, अगर कोई छात्र विद्यालय में ड्रेस पहनकर नहीं आए या फिर बिना वजह फील्ड में घूमते दिख जाए, तो मैं कुछ देर के लिए उस छात्र को दंड स्वरूप कक्षा के बाहर खड़ा करवा देता। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। उन्हें समझा कर प्रेम से नियमित ड्रेस पहन कर आने के लिए और पूरी घंटी कक्षा में रहकर पढ़ने के लिए
और पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरी जिंदगी में दो तीन परिवर्तन हुए हैं। जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है वो गुस्से में नियंत्रण करने वाला है। मुझे जो जल्दी जल्दी गुस्सा आता था अब कम हुआ वास्तविकता में, और स्कूल का संचालन अब मैं अच्छे ढंग से करता हूँ। दूसरा फर्क मेरी जिंदगी में ये आया कि अब मैं स्कूल के साथ साथ गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी पर भी ध्यान देने लगा हूँ। पहले हमारा खेती की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता, जबकि मेरा जन्म ही एक बड़े जमींदार परिवार में हुआ है। हमारे घर का परंपरागत कार्य ही खेती था। आज भी हम लोग बड़ी जोत वाले किसान हैं। दरअसल हमारे घर पर शुरुआत से बड़े पैमाने पर खेती का कार्य होता था। यूपी में सन 1952 में जमींदारी खत्म होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, और पुरखों की बनाई व्यवस्था को अब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। भविष्य में प्राकृतिक खेती करना चाहता हूँ। और सच बताऊं वैसे तो मैं मॉर्निंग सेशन बहुत नहीं सुन पाता, चलते फिरते सुनता हूँ, लेकिन अब हमारे घर पर वातावरण बन गया है भगवान सिंह भैया जी के आशीर्वाद से। आगे मैं गहराई से सुनूंगा और इस पर काम करूंगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी को नमस्ते, सभी को यथोचित प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं शर्मिला दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी हिमांशु भैया, अंजलि दीदी और रघु बेटा के शेयरिंग के बारे में अपनी बात को रखें। जी दीदी, जी नमस्ते हिमांशु जी, अंजलि जी, रघुवंश बेटे, बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार ने अपनी बात को रखा। हिमांशु जी से शुरू करें तो मुझे लगता है कि दो ये जो डोमेन्स हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं, एक तो शिक्षा और पत्रकारिता, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों से हम, हमारी जो पहुंच है बहुत आगे तक जा सकती है। हमारी सही सोच हो तो हम अपने छोटे परिवार में से निकल के जब फैल के और आगे काम करने जाते हैं तो ये दोनों माध्यम से हम औरों को बहुत आसानी से जोड़ पाते हैं। जो लोग इस तरह से विचार रखते हों उनको भी, तो अच्छे विचार वाले, सही विचार रखने वालों को हम साथ में जोड़ के और बड़ा काम कर पाते हैं, और जो लोग उस तरह से नहीं सोचते उनका भी इन बातों पर ध्यान जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं। आप जुड़े रहें, और जैसा आपने कहा अभी तक आप नहीं सुन पाए, लेकिन अब आप निर्णय कर पा रहे हैं कि आप जुड़ेंगे मॉर्निंग सेशन से रेगुलर और एक्सरसाइजेस को करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत उपकार होगा और आप बहुत अच्छा बड़ा काम कर पाएंगे। भगवान भैया तो हैं ही साथ में, तो आप सब मिलके और बड़ा सोच पाएंगे। तो बहुत शुभकामना आपको। अंजलि जी की भी मैं कहूंगी कि एक घर में रहते हुए हमारी सोच कभी कभी ना इतना आगे तक नहीं फैलती, बट स्कूल चलाना, खेती करना, ये सब चीजें जैसे जैसे हम फैल के करते जाते हैं तो हमारा जो फैलना है वो पहले अंदर होता है फिर बाहर हम कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे भाव विचार ठीक होते जाते हैं वैसे वैसे हम अंदर से जो प्रेरणा होती है वो लेके हम और बड़े काम कर पाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। रघुवंश पेटे जी भी इसमें शुरुआत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनका भी समय मिलेगा और आप दोनों से गाइडेंस मिलेगी और भगवान जी और पूरे ये बड़ी बड़ा जो एक्सटेंडेड परिवार है उन सब से जैसे जैसे गाइडेंस मिलेगी बच्चों को बहुत अच्छी सही दिशा मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं।